जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कितने मुसलमान विधायक यानी एमएलए जीते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने इस भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का नतीजा आ चुका है और इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों कर्नाटक में टोटल 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 136 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी INC चुनाव जीती है, 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी BJP चुनाव जीती है, 19 सीटों पर जनता दल सेकुलर यानी JDS चुनाव जीती है और अन्य के खाते में केवल 4 सीटें आई है। अब बात करते हैं कर्नाटक के 224 विधानसभा सीटों में से कितने विधानसभा सीटों पर मुसलमानों की जीत हुई है। तो आपको बता दें कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 9 मुस्लिम MLA जीत पाए हैं, जिनका नाम इस प्रकार है। नंबर 1, उत्तर बेलगाम विधानसभा क्षेत्र से आसिफ राजा सैफ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते हैं। नंबर 2, उत्तर गुलबर्गा विधानसभा क्षेत्र से कनीज फातिमा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीती हैं। नंबर 3, बीदर विधानसभा क्षेत्र से रहीम खान, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते हैं। नंबर 4, शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से रिजवान अरशद, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते हैं। नंबर 5, शांति नगर विधानसभा क्षेत्र से एन हारिस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते हैं। नंबर 6, चमराजपेट विधानसभा क्षेत्र से BJD जमीर अहमद खान, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते हैं। नंबर 7, रामनगरम विधानसभा क्षेत्र से HA इकबाल हुसैन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते हैं। नंबर 8, मंगलुरु विधानसभा क्षेत्र से UT खादर फरीद, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते हैं। नंबर 9, नरसिम्हा राजा विधानसभा क्षेत्र से तनवीर सैद, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते हैं। दोस्तों 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 9 मुस्लिम MLA जीतकर विधानसभा जाएंगे, वो भी सभी के सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में केवल 7 मुस्लिम विधायक जीते थे, लेकिन इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 9 मुस्लिम विधायक जीते हैं, यानी पिछले चुनाव से 2 ज्यादा जीते हैं। तो दोस्तों तो आप लोग जान गए होंगे कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कितने मुस्लिम विधायक यानी MLA जीते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत।